हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बन्नी एंड पेट्स। ये वीडियो खास करके बिगनर्स के लिए है जो कि अपने घर में नया टैंक सेटअप करना चाहते हैं। तो उनके लिए कौन सा टैंक खरीदें, कौन सा साइज़ का खरीदें, कैसे उसको सेटअप करें, कौन सा फिल्ट्रेशन ऐड करें, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिगिनर हॉबीस्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में हम पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कौन सा साइज का टैंक खरीदें, कैसे खरीदें, और इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कैसे उसका सेटअप करें, क्या फिल्ट्रेशन होना चाहिए। एक्वेरियम खरीदने से पहले हमारे अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। हम कोई भी अपने नज़दीकी फ़िश स्टोर में जाते हैं और फिश ओनर से पूछते हैं कि हमें एक टैंक चाहिए। वो कोई भी एक फुट या डेढ़ फुट का टैंक हमें दे देते हैं। उसके हिसाब से फ़िश हम लोग नहीं ले पाते हैं कि कौन सा फ़िश रखें, और घर लाते हैं एक्वेरियम में मछली डालते हैं, मछली मर जाती है। तो कोई भी फ़िश या एक्वेरियम लाने से पहले हमें पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए कि कौन सी फ़िश के लिए कौन सी साइज़ का एक्वेरियम होना चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, क्या फ़िल्ट्रेशन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है एक्वेरियम का साइज़। अगर हम एक्वेरियम खरीद रहे हैं तो क्या साइज़ होना चाहिए। देखिए, टैंक का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ का एफोर्ड कर सकते हैं। आप जितना बड़ा टैंक लाएंगे उतना फ़िश के लिए अच्छा रहेगा, फ़िश हेल्दी रहेगा। और बात है कि आप कौन सी फ़िश खरीद रहे हो, फ़िश के हिसाब से भी टैंक का साइज़ डिपेंड करता है। तो आप बड़ा मछली ला रहे हो तो उसके लिए बड़ा टैंक चाहिए, छोटा मछली ला रहे हो तो उसके लिए मिनिमम 2 फीट का टैंक चलेगा। अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा मिनिमम 2 फीट का टैंक, बिगनर्स के लिए टैंक बहुत ही अच्छा होता है। और फिश टैंक के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फिश स्टोर में जाते हो तो आप लोग फिश बॉल खरीद के लाते हैं। फिश बॉल कभी नहीं खरीदते, वो फिश के लिए बना ही नहीं है। उतना छोटा में आप मछली डालते हैं, कुछ दिन में ही बीमार होकर मर जाता है। तो ये रिक्वेस्ट है, फिश मिनिमम एक छोटा सा टैंक खरीदें, फिश बॉल नहीं खरीदें, उसमें मछली नहीं डालें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक्वेरियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में शेयर करता हूँ, और ये एक्वेरियम का बैकबोन होता है। क्योंकि अगर आपका टैंक का पानी साफ है तो फिश भी हेल्दी रहेगी, लेकिन अगर टैंक का पानी गंदा है तो फिश बीमार रहेगी और मरते रहेगी। तो बात करते हैं कि कौन सा फ़िल्टर लें। फ़िल्टर भी आपके टैंक के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टैंक का साइज़ कितना बड़ा है, उसके ऊपर कौन सा फ़िल्टर लगेगा। क्योंकि एक्वेरियम के साइज़ का जितना है, 1 घंटे में उससे 4 गुना पानी पंप करना चाहिए फ़िल्टर आपका जो आप लगाएंगे। और मछली के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ मछली सॉफ्ट फ्लो की होती है, कुछ हार्ड फ्लो की होती है। अगर आप 2 फीट का टैंक ले रहे हैं तो आप एक छोटा सा हैंग ऑन बैक फ़िल्टर लगा सकते हैं या स्पॉन्ज फ़िल्टर लगा सकते हैं। पावर हेड फ़िल्टर नहीं लगाएं, क्योंकि उसका फ़्लो बहुत ही ज़्यादा होता है, और 2 फीट का टैंक में मतलब छोटी मछलियाँ रखेंगे तो उनके लिए फ़्लो सही नहीं रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि टैंक का जो फ़िल्टर है वो आपके टैंक का पानी को 4 गुना ज़्यादा पानी पंप करना चाहिए पर हावर, तभी जाके आपका टैंक का पानी क्रिस्टल क्लियर रहेगा। अब पॉइंट नंबर 3 है लाइट, कि एक्वेरियम में कौन सा लाइट लगाएं। आप लाइट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अपने नज़दीकी फिश स्टोर में जो भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए प्लांटेड लाइट अलग से आता है, वो लगाना है। और नेक्स्ट पॉइंट है डेकोरेटिव आइटम्स। ये डेकोरेटिव आइटम्स आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं जो आपको पसंद आए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि एक्वेरियम में वो कंजस्टेड नहीं है। फिश को फ्रीली स्विम करने का जगह रहना चाहिए, ज़्यादा भी डेकोरेटिव आइटम्स नहीं यूज़ करें, वो फिश के लिए हार्मफुल रहता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपने अपना टैंक खरीद लिया है, उसमें फ़िल्टर भी लगा दिया है और डेकोरेटिव आइटम्स भी लगा दिया है। अब बात करते हैं कि कौन सा फ़िश लें और कैसे फ़िश को ख़रीदें। फ़िश लाने से पहले अपने टैंक को सेटअप करें, उसको 1 से 2 हफ्ते के लिए रिसाइकिल करें पानी डाल के, तब तक उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया आ जाएगा, और डेली 10-20% वाटर उसका चेंज करें और थोड़ा सा फ़िश फूड ऐड कर दें ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया और तेज़ी से बढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी फ़िश खरीदें, कैसे खरीदें, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।